बिलासपुर नगर में सरकारी अधिकारी सहित कर्मचारियों का घर भी सुरक्षित अब नहीं दिख रहा है। आए दिन नगर के चंगर सेक्टर में सरकारी अधिकारियों के घरों में चोरी की वारदातें सामने आ रही हैं। बीते सोमवार को भी जिला के फूड सेफ्टी विभाग के सहायक आयुक्त के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें चोरों ने पिछले रास्ते से खिड़की को तोड़कर घर से नकदी सहित पानी की पाइपें सहित नलों को भी निकाल ले गए। वहीं इससे एक दिन पहले एक सरकारी अधिकारी के घर का ताला भी चंगर सेक्टर में तोड़ दिया गया था। ऐसे में इस चोरी की वारदात से नगर का पॉश एरिया चंगर सेक्टर भी चोरी के साए में हो गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी उक्त क्षेत्र में चोरियों के मामले सामने आ चुके हैं। बीते कुछ माह पहले ही यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के MOH के घर में TV, LED सहित लैपटॉप सहित नकदी चोर उड़ा ले गए थे, जिसकी शिकायत पुलिस के पास दर्ज भी करवाई गई है, लेकिन अभी तक वे चोर पकड़े नहीं गए हैं। अब आए दिन इसी चंगर सेक्टर में सरकारी अधिकारियों सहित कर्मचारियों के घरों में चोरी होना भी एक बड़ा सवाल पैदा कर रहा है, क्योंकि हैरानी की बात यह है कि इस क्षेत्र से महज 200 मीटर की दूरी पर SP रेजिडेंस व 100 मीटर की दूरी पर DSP रेजिडेंस सहित पूरे क्षेत्र के क्लास 1 ऑफिसर रहते हैं। ऐसे में इस क्षेत्र में आए दिन चोरी के मामले सामने आने से पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस संदर्भ में जिला बिलासपुर DSP राजकुमार से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामला उनके ध्यान में आया है। इस क्षेत्र में पुलिस अब जल्द ही CCTV कैमरे लगाने का निर्णय ले रही है। इसके साथ ही इस क्षेत्र में पुलिस की गश्त को भी बढ़ाया जाएगा ताकि दिन रात यहां हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। उन्होंने बताया कि बीते सोमवार रात को फूड सेफ्टी कमिश्नर के रेजिडेंस में चोरी की वारदात हुई है, जिसमें उक्त अधिकारी द्वारा शिकायत देने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। हमारे पास सिटी चौकी में कंप्लेंट आई है कि एक दो घरों में जो ताले टूटे हुए हैं और कुछ ये हुआ उसके ऊपर जो हो तस्दीक की जा रही है, उसमें जाँच की जा रही है, जो भी कार्रवाई होगी कार्रवाई हमने लाई जा रही है। गश्त वगैरह को भी और बढ़ा और हाँ ठीक है, इस एरिए में चंगर एरिए में हमारे पास जो CCTV कैमरा और वो हम बढ़ाएंगे और साथ में इस एरिए में गश्त भी बढ़ाई जा रही है।